नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में बताया था, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतिकपुरा के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए सर्वनाम के बारे में समझते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि संज्ञा में जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जाति का बोध होता था, किसी भाव का बोध होता था, उसके स्थान पर अगर हम सर्वनाम शब्द लिख देते हैं तो वह सर्वनाम कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसके लिए हमें एक उदाहरण से समझते हैं। परिभाषा लिखने के लिए उदाहरण है, जैसे सुमित अच्छा लड़का है, ठीक है, सुमित अच्छा लड़का है, सुमित कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है, इसलिए सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वाक्य है। अब इसमें देखिए सुमित शब्द कितनी बार आया है, तीन बार सुमित शब्द इस वाक्य में आए हैं। तो ये एक ऐसा अस्वाभाविक सा लगता है, यानी अटपटा सा लगता है कि बार बार सुमित नाम आने से कुछ वाक्य थोड़ा अस्वाभाविक सा लगता है। सुमित अच्छा लड़का है, सुमित कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। तो सुमित बार बार आने से क्या है, थोड़ा वाक्य अच्छा नहीं लगता है, अटपटा लगता है, अस्वाभाविक। तो इसको हम इस तरीके से लिखें, सुमित अच्छा लड़का है, ठीक है, सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, ठीक है, इसलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। तो ये वाक्य हमने इस तरीके से लिखा कि सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। अब देखिए इसमें
इस सुमित की जगह क्या आया वह, और इस सुमित की जगह क्या आया उसको, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या हुआ, इस वाक्य में वह और उसको, उसको ये दोनों शब्द इस वाक्य में आए हैं, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। यानी सुमित की जगह, सुमित क्या है संज्ञा है, अब इसकी जगह हमने वह लिख दिया तो वह क्या है सर्वनाम हो गया। ऐसे ही दूसरा सुमित यह है, उसकी जगह हमने उसको लिख दिया, सुमित की जगह उसको लिख दिया, तो ये क्या है सर्वनाम, ये सुमित क्या है एक नाम संज्ञा। तो इस तरीके से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा क्या होगी, जो संज्ञा शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, हम, हम सब, वे लोग, तुम्हें, उसको, यह, वह, उनका, ठीक है, आप लोग, आप इत्यादि, ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अपन संज्ञा कितने प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 सर्वनाम के प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा संबंधवाचक, और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार इसके 6 प्रकार होते हैं, तो इसको हम एक सारणी में प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिख दिया सर्वनाम, और इस तरीके से इसको बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक,
और छठा निजवाचक, ठीक है। ये छह सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है कि इसमें तीन भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो किसके विषय में बातचीत हो रही है, यानी तीनों लोग, तीनों लोग स्वर्णाम कहलाते हैं। तो वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, यानी बोल रहा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो तीन हो गए, यानी एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और किसके विषय में वो दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो वो हो गया तीसरा। तो उसी प्रकार से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष जो होता है, जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं, यानी बोलने वाला जो अपने स्वयं के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम सब, ये स्वयं अपने लिए बोलने वाला प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष जो होता है, जो सुनने वाला होता है, जैसे तू, तुझे, तुम्हें, तुम, आप लोग, ये सुनने वाले, यानी जो उत्तम पुरुष बोलता है और ये सुनता है, तो ये बोलने वाला स्वयं और ये सुनने वाला। तीसरा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो वो दोनों किसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, यानी किससे संबंधित बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो स्वर्णाम होगा वो अन्य पुरुष होगा। जैसे वह लोग, ये, वह, यह, तो इस तरीके से ये अन्य पुरुष होते हैं, यानी जिसके विषय में बातचीत की जाए। ठीक है, तो ये होते हैं सभी पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में, यानी जो बोलने वाला होता है, वो अपने लिए जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम सब। और मध्यम पुरुष जो ऐसा स्वर्णाम शब्द जो सुनने वाला जो स्वर्णाम शब्द का प्रयोग होता है, सुनने वाला जो करता है, जैसे तू, तुझे, तुम्हें, तुम, आप। और अन्य पुरुष जब दो व्यक्ति आपस में किसी तीसरे व्यक्ति की बातचीत करते हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति वह लोग, यह, वह, यह होता है, तो वो अन्य पुरुष होता है। तो इस तरीके से ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बनती है। वो किस प्रकार से है, तो पुरुषवाचक की परिभाषा देखिए,
पुरुषवाचक सर्वनाम जब दो व्यक्ति बोलने वाले और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए तो ऐसे सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी पुरुषवाचक की, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला तथा सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए उनको जिस स्वर्णाम शब्द से लिखा जाता है उस शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि उत्तम पुरुष है, इसका उदाहरण लेते हैं। उत्तम पुरुष मैंने खाना खाया, तो मैंने जो शब्द है ये स्वयं के लिए जो बोलने वाला होता है कर्ता, वह स्वयं अपने लिए इस शब्द को यूज कर रहा है, तो ये मैंने शब्द है ये सर्वनाम। ऐसे ही मध्यम पुरुष के लिए उदाहरण लेते हैं एक, जैसे आप लोग भोजन कर रहे हो, तो यहां आप लोग यानी जो बोलने वाला होता है, अगले जो सुनने वाला आता है उसके लिए ये प्रयुक्त हो रहा है स्वर्णाम शब्द, इसलिए ये मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जैसे कि यह है व्यक्ति मेरा भाई है, तो यहां पर जो यह शब्द यानी बोलने वाला जो सामने सुनने वाला है उसको कह रहा है तीसरे आदमी के लिए कि यह व्यक्ति मेरा भाई है, तो यह यानी अन्य पुरुष है, यह व्यक्ति यानी कोई तीसरा, तीसरे के बारे में जो बोलने वाला है जो सुनने वाले को कह रहा है कि यह व्यक्ति मेरा भाई है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आगे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द जिसके अंदर किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर संकेत होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये जितनी भी मैं हिंदी व्याकरण में आपको संज्ञा विशेषण क्रिया और अभी सर्वनाम चल रहा है, ये सभी कक्षाओं के लिए, जैसे छठी से लेकर बारहवीं तक
यानी सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक ये सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के बिना हिंदी का ज्ञान नहीं होगा और हिंदी व्याकरण से कई प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जैसा कि कोरोना वायरस महामारी चल रही है तो इससे हमें बचाव करना है, बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें और अपने परिवार को, स्वयं को सुरक्षित रखना है। धन्यवाद।